हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दीवान साइज़ बेडशीट बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक है, इसके चारों तरफ मैं फ्रिल अटैच करूंगी। ये फ्रिल वाला बेडशीट बनाएंगे हम। इसके साथ मैंने, ये प्लेन है इसलिए मैंने इसके साथ ये कुछ प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये एक साड़ी का फैब्रिक है, इससे इसको हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कर हम इसको सेंटर से कट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्रिल कितना रखना है। पहले हम दीवान की लेंथ लेंगे, फिर उसकी विड्थ लेंगे, फिर हमें फ्रिल नापने के लिए यहाँ से यहाँ तक फ्लोर तक पूरा लेंथ जितना रखना है उतना हमें लेना है। मेरी फ्रिल का लेंथ 20 इंचेस आ रहा है, तो मैं इसको साड़ी को डबल फोल्ड कर सेंटर से कट करूँगी, यहाँ से कट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साड़ी को सेंटर से कट कर लिया, ये टू पीसेस में हो गई है मेरे पास। अब मैं इसकी फ्रिल्स रेडी करूँगी। फ्रिल्स रेडी करने के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए चलेंगे। हम इसको हैंड स्टिच भी डाल सकते हैं, बट मुझे मशीन से फ्रिल्स डालना बहुत आसान लगता है, तो मैं मशीन से फ्रिल्स डालती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्रिल्स बनाने के लिए मैं दोनों पार्ट्स को सेंटर से जॉइन करूँगी, क्योंकि मुझे पूरी बेडशीट का फ्रिल चाहिए, तो लंबा फ्रिल चाहिएगा, इसलिए मैं इसको करूंगी। अब सबसे पहले मैं इसको नीचे से फोल्ड करूंगी। मुझे मेरी लेंथ 20 इंचेस रखनी है फ्रिल्स की, तो मैं उसको मैंने इसी के हिसाब से फिल कर की है, तो मैं इसको बराबर फोल्ड करूंगी। आप अपने हिसाब से अपने फ्रिल को नाप कर और फिर ही इसको फोल्ड करें, और फिर आप फ्रिल अटैच करने के बाद में इसको फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे पूरा फ्रिल्स रेडी करेंगे। आप इसको हैंड स्टिच करके भी कर सकते हैं, बट मुझे मशीन से करना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा हम इसमें पूरी गैदरिंग डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 इंच के समथिंग छोड़कर ये फ्रिल ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे बेडशीट दबने के अंदर जाएगा, तो हम यहाँ से कम 2 इंच छोड़ेंगे और इस फ्रिल को ऐसे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट टच है बेडशीट का। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है।